भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। काम कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। अच्छा, तो भैया मैं आपके पास बात करने इसलिए आई हूँ क्योंकि ना मेरे को बहुत अच्छा लगा, दूर से देख रही थी आप मेहनत कर रहे हो, धूप में धूप नहीं देखते, सर्दी में सर्दी नहीं देखते, बरसात में भी आते हो काम करते हो। कितना कमा लेते हो आप? मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे दो मिनट? हाँ बैठ जाओ। तो मैं पूछ रही थी आपसे आप कितना कमा लेते हो? कम से कम 300-400-500 कमा ही लेता हूँ दिन का। तो आपका खर्चा पानी निकल जाता है? निकल जाता है। तो आपके घर में बच्चे भी होंगे है ना? बच्चे भी हैं, चार बच्चे हैं। पढ़ते वढ़ते हैं? पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ा लिखा के उन्हें अच्छा बनाना और अच्छी जॉब भी लगेगी उनकी। हाँ पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ने वाले के ऊपर है। बिल्कुल। ये क्या होता है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल रंग तो लाएगी मेहनत, हर किसी की लाती है, देर सवेरी सही, मेहनत रंग जरूर लाती है। और आप देखो धूप में धूप नहीं देखते, बरसात में भी आना पड़ता होगा आपको, काम तो करना ही है। तो भैया मेरी ना आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके पास ना यहाँ बैठ के ना थोड़ा सा आपसे काम सीखना चाहती हूँ, मैं आपकी ना थोड़ी सी हेल्प कराना चाहती हूँ। और मेरा मेन मकसद ये है कि मैं ये देखना चाहती हूँ, जैसे आप धूप में इतना मेहनत करते हो, सर्दी में इतना मेहनत करते हो, तो मैं उन चीज़ों को ना फील करना चाहती हूँ, मतलब एहसास मेरे को होना चाहिए कि कितनी मेहनत होती है इस काम में भी, क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए मैं आपके पास बैठ के थोड़ा सा आपसे सीखना चाहती हूँ और आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती अगर मैं आपके पास बैठती, हेल्प भी मिल जाती और फील कर पाती मैं उन चीज़ों को कि आप कितनी मुसीबतों से गुजरते हो। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं आपके पास यहाँ बैठ जाऊँ? थोड़ी सी आपकी हेल्प करा दूँ तो? ठीक है, थोड़ी सी जगह दे दो, मैं आ जाती हूँ। आपको अजीब तो नहीं लग रहा ना, आपकी बेटी समान हूँ मैं भी। ये कितना मुश्किल होगा ना करना। कर पाओगे? बिल्कुल, आप सिखाओगे तो बिल्कुल करूंगी। अच्छे से कर रही हूँ भैया। आप मेरे को ये लो, ये तो हो गया, पैसे दे दो आप। कितने हैं भैया? 20। शुक्रिया। क्या इसको खोलना है? बंद करना है। दबा देना है? हाँ जी, दबा के रखना है। हो गया भैया, थैंक यू सो मच भैया। आपको शू पॉलिश कराने हैं? शू दे दो आपके। ये लीजिए दे दो, 10 रुपये। थैंक यू। ये आपकी कमाई, मैंने तो बस मदद की है, मेहनत तो आपकी है। फील करना चाहती थी वो चीज़ की, जैसे आप इतनी मेहनत करके कमाते हो, धूप में धूप नहीं देखते, इतनी ज़्यादा इतना स्ट्रगल करते हो, तो बस मैं फील करना चाहती थी उन चीज़ों को। लोग कहते हैं ना, मतलब बेइज्जती भी करते हैं कुछ लोग, मजाक भी उड़ाते हैं आप लोगों का, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है और ये हकीकत है, सच है। तो हमें आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा लगा आपने
आपके साथ बैठ के, और आप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर सकती। बाकी वो रहा कैमरा, और आप हाय बोल दो, ऐसे कर दो हाय। कुछ बोलना चाहते हो आप कैमरे के आगे? आप क्या बोल? कुछ भी जो आपका आपके मन में हो, कुछ जो आप तो सब चीज़ तो बोली। मैंने बोल दी सारी चीज़ें। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत, और ये आपकी कमाई है। और मेरे पास एक बार ये दोगे आप? मैं, मेरे पास एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। मैं ये कपड़े लाई थी आपके लिए, तो साइज आपका ही होगा। हाँ। और तो ये आप रख लेना, और मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है, और छोटा सा तोहफा ही आप रख लेना, ठीक है? बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। तो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, तो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था यार कि आज के टाइम में क्या होता है ना, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, तो मैं इस वीडियो से एक सीख देना चाहती थी छोटी सी यार। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते धूप में, बरसात में, सर्दी में कितनी मेहनत करके लोग अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। तो इन लोगों की इज्जत करो, कदर करो बहुत ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करो, क्योंकि हमारा कुछ नहीं जा रहा, आपको नहीं पता कि एक छोटी सी हेल्प सामने वाले की ज़िंदगी बना सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जस्ट फील करना चाहती थी इन चीज़ों को कि अगर मैं उनके साथ बैठ के उनकी थोड़ी हेल्प करा रही हूँ तो वो कैसा लगता है सामने वाले की हेल्प करके, और थोड़े बहुत पैसे कमाए जो मैंने उनको दिए, और छोटा सा गिफ्ट मैंने उनको दे दिया था यार, क्योंकि मेरे मन की एक इच्छा थी कि मैं उनको थोड़ा सा करती उनके लिए। तो बहुत अच्छा लगा इस वीडियो में, मतलब ये आज तक की मेरी लाइफ की बेस्ट वीडियो है मेरे लिए। और आप लोग बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बता ही दोगे, है ना? तो लाइक करें, शेयर करें, और यार चैनल को सब्सक्राइब देख लो, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करना। और बाकी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और आती रहेगी, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।